सबसे कम गेंदों में वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 2000 तक किस खिलाड़ी ने मारा है, क्या आप जानते हैं इसको? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पूरी तरह से बने रहिएगा इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे सबसे कम गेंदों में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 2000 शतक मारा है वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल में, और अभी तक कितने कुल खिलाड़ियों ने यह काम कर रखा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे विश्व में सबसे पहले जिसने 2000 शतक मारा उसका नाम सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने 2010 ईस्वी में यह कारनामा किया था, ठीक है, किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था, और 200 नाबाद रन बनाए थे, यानी आउट नहीं हुए, गेंद थी 147 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा किया। उसके बाद से बहुत से लोगों ने यह काम किया है। उसके बाद 2013 में रोहित शर्मा ने यह काम कर दिया, उसके बाद 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने यह काम किया, उसके बाद 2014 में रोहित शर्मा ने फिर यह काम किया, 15 में मार्टिन गुप्टिल ने यह काम किया, यानी 2000 शतक मारा, उन्होंने 237 रन बना दिए, और रोहित शर्मा ने 2014 में 264 रन बनाए। अभी भी वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा एक पारी में रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का ही है, 264 रन उन्होंने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद से सबसे तेज अगर 2000 शतक की बात करें तो मात्र 138 गेंदों पर क्रिस गेल ने बनाए थे। तो कुछ खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमान और सचिन तेंदुलकर, ये इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2000 शतक मारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। परंतु कल बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने सबसे तेज 2000 शतक मार दिया। क्या किया? मात्र 125 गेंदों में 200 रन बनाए उन्होंने, और सबसे तेज 2000 शतक मारने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया 126 गेंदों में, 126 गेंदों पे 2000 शतक बनाया, मैन ऑफ द मैच भी घोषित किए गए। तो विश्व के कुल यह कारनामा करने वाले कितने खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा 1, मार्टिन गुप्टिल 2, वीरेंद्र सहवाग 3, क्रिस गेल 4, फखर जमान 5, ईशान किशन 6 और सचिन तेंदुलकर 7। कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल में 2000 शतक अभी तक जमा रखा है।